फिल्म ओके जानू की कहानी है दो युवा आदि और तारा की। ये आज के युवा हैं जो अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं। आदि वीडियो गेम बनाता है और अमेरिका जाना चाहता है। तारा आर्किटेक्ट बनना चाहती है जिसके लिए उसे पेरिस जाना है। एक दो मुलाकातों में इन्हें प्यार हो जाता है। ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं मगर ये शादी नहीं करना चाहते। आदि की भूमिका में है आदित्य राय कपूर और तारा के किरदार में है श्रद्धा कपूर। शाद अली द्वारा निर्देशित फिल्म ओके जानू में आज के युवाओं के प्रेम, उनके बीच की मस्तियां और उनके बीच की छेड़छाड़ को देखकर आज के दौर की लव स्टोरी लगती है। हिट म्यूजिकल फिल्म आशिकी 2 के बाद श्रद्धा और आदित्य दोबारा इस फिल्म में साथ नजर आए हैं और इस बार भी उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त लग रही है। फिल्म में कुछ दृश्यों में आदित्य काफ़ी कन्विंसिंग लगे हैं, जैसे श्रद्धा जब आदित्य से शादी के लिए कहती है या जब श्रद्धा उन्हें किसी काम से मैटरनिटी होम ले जाती है। इन दृश्यों पर थोड़ी हंसी भी आती है। नसीरुद्दीन शाह ने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा अभिनय किया है, लेकिन फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एकदम साधारण है। इस फिल्म की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है। संवाद और स्क्रीन प्ले भले बदले हुए हैं मगर बहुत रिपीटेटिव लगते हैं। फिल्म एकदम खींची हुई लगती है। प्यार में पड़े जोड़े के बिछड़ने की बातों पर कई फिल्मों में हमने बेहतरीन जज्बाती करने वाले दृश्य देखे हैं मगर इस फिल्म में ऐसा कोई इमोशनल सीन नहीं है जो आपके दिल को छूता हो। फिल्म एक बात जरूर बताती है कि आज की युवा शादी से चाहे जितना भागें लेकिन अगर उन्हें सच्चा प्यार होगा तो वो शादी करेंगे, क्योंकि प्यार एक आदत की तरह लग जाता है और ये आदत छूटती नहीं। इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 2.5 स्टार।